नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार डीएमएन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग को लेकर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस यानी नीसा के नेतृत्व में देश भर के शिक्षक आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार से स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग को उठाया। इस दौरान नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शिक्षकों का भय मुक्त होना आवश्यक है। साथ ही साथ छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए कोचिंग सेंटरों का नियमन भी जरूरी है। नीसा के आह्वान पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के सैकड़ों टीचरों और स्कूल संचालकों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल संचालकों की सुरक्षा के लिए टीचर सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का, जिसमें 1,00,000 विद्यालय इसके साथ जुड़े हुए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये संगठन जुड़ा हुआ है। आज की हमारी प्रमुख मांग है कि देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है, लेकिन शिक्षक जिसको सर्वोपरि माना जाता है, सबसे सर्वोच्च माना जाता है, सबसे सम्मानित माना जाता है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो भयभीत है। अब भयभीत भी किन कारणों से है? उसका डर ये है कि कहीं उसके विद्यालय में कहीं पर कोई गलती हो गई, किसी और ने गलती कर दी, उसको खमियाजा उसको ना भुगतना पड़े। तो हम उसके लिए स्कूल सुरक्षा एक्ट की मांग कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास भी अपनी सुरक्षा का एक्ट है और समाज के हर व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा का एक्ट है कि बिना जांच के। यहाँ पर कितने बड़े धरने प्रदर्शन हुए, अभी जो है पहलवानों ने भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षक है उनको लेकर भारत सरकार जो सतर्क नहीं है, उनकी सेफ्टी को लेकर ऐसा कोई एक्ट आपकी वार्तालाप हुई है भारत सरकार से? देखिए, हमारी लगातार सभी सरकारों से बात हो रही है, कोई भी सरकार शिक्षक को लेकर सीरियस ही नहीं है। सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन उसको सम्मानित कर दिया जाता है, वो भी कुछ शिक्षकों को, और उसमें भी बंटवारा है। सरकारी स्कूलों को सम्मानित किया जाता है शिक्षकों को, प्राइवेट वालों को नहीं, उसमें भी एक बंटवारा है। उसके बाद 364 दिन शिक्षक जो है नहीं सम्मानित महसूस नहीं करते, भयभीत महसूस करते हैं, डरे हुए महसूस करते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को बिना जांच के जेल में डाला गया। हमारी मांग है कि शिक्षकों के लिए सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। सत्यवीर सिंह भावी, नेशनल चेयरमैन डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस डीसा। आज का एजेंडा बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, स्कूलों की सुरक्षा, कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी और सीबीएसई जो समय समय पर अनचाहे उसके मनमाने नियम थोपती है सर्कुलर, उसके खिलाफ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे पूरे देश से, हर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, तो उसके लिए हमारी मांग है कि हमारे सबसे पहली हमारी मांग है कि स्कूलों को एक प्रोटेक्शन एक्ट मिले, स्कूलों को सुरक्षा मिले। कि हमारे ये नहीं है कि हमारे टीचर्स को कोई भी कुछ आता है बदतमीजी कर जाता है। टीचर ने अगर जाने अनजाने किसी बच्चे को कुछ कह दिया तो उसके खिलाफ तुरंत ही FIR हो जाती है, उसमें जांच होनी चाहिए। उसके बाद आपने जांच में मान लिया वो नहीं मिला, जांच में वो दोषी नहीं पाया गया, तो जो उस टाइम उन्होंने एक्शन लिया उसके खिलाफ पेपर में, मीडिया में, उसके खिलाफ जो उसकी सामाजिक स्थिति खत्म हो चुकी। तो हमारा कहना ये है कि पहले कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप उसकी जांच होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो है निष्ठा भंग होती है और सामाजिक स्थिति उसकी खराब होती है, उसके आगे उसके बच्चे, उसका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा यह है कि नियम ऐसा बने कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय संचालक हैं, वो सब उससे सुरक्षित हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत भी नई शिक्षा नीति बनी है, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अपना जो स्कूल प्रोटेक्शन का उसमें कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। स्कूल प्रोटेक्शन, टीचर्स के प्रोटेक्शन को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी अपनी आवाज को हम संसद तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से
शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही मुद्दे एक अहम आवश्यकता है। जब चिकित्सा के लिए एक प्रोटेक्शन बिल बन सकता है तो फिर शिक्षा के लिए क्यों नहीं बन सकता, स्कूलों के लिए क्यों नहीं बन सकता, नर्सिंग होम के लिए क्यों बना हुआ है। तो इस सेवन में आपकी जो कमेटी ने हमने वार्तालाप किए हैं, व्यवहार किए हैं, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं। प्रेमचंद देसवाल प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और निशा का मैं नेशनल ट्रेजरर हूं। आज हम स्कूल एक्ट के बारे में इकट्ठे हुए हैं। आज हम सरकार को एक सांकेतिक संकेत देना चाहते हैं कि हमें स्कूल सेफ्टी एक्ट दे दीजिए। जैसे हमारे शिक्षक आज सुरक्षित नहीं है, बच्चा कोई आत्महत्या कर लेता है, कारण कुछ भी हो, घर की परेशानी हो, कोई और टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन वो आत्महत्या कर लेता है, सीधा टीचर और प्रिंसिपल को जेल में डाल दिया जाता है और सालों तक उसको बेल नहीं मिल पाती। तो हमारा कहना ये है कि सरकार इस एक्ट को ऐसा एक्सेप्टी एक्ट बनाए स्कूलों का जिसमें अगर बच्चा सुसाइड करता है या कोई स्कूल में घटना होती है, पहले उसकी जांच की जाए। जांच करने के बाद अगर कोई दोषी मिलता है, चाहे वो टीचर दोषी है, चाहे स्कूल प्रिंसिपल दोषी है, कोई दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अनिल गोयल, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल्स एसोसिएशन चेयरमैन के नाते यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे लगभग 50 स्कूल यहाँ पर इस धरने पर आए हुए हैं। हमारी मांग ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है वो खत्म होनी चाहिए। जो नियम सरकारी स्कूल पर लागू है वही नियम प्राइवेट स्कूल पर लागू होने चाहिए। जो अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों से है वही अपेक्षा सरकारी स्कूलों से होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आप स्कूल को नो प्रॉफिट नो लॉस यानी चैरिटेबल मानते हैं, किंतु आप उनसे कमर्शियल चार्ज लेते हैं, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हाउस टैक्स का हो, आप कमर्शियल चार्ज लेते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। हम एक बात और मानते हैं कि एक स्कूल खुलता है तो 10 जेल बंद होती है और 10 जेल खुलती हैं, और एक स्कूल बंद होगा तो 10 जेल खुलेंगी और एक स्कूल खुलेगा तो 10 जेल बंद होंगी। आप पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बनाना चाहते हैं या पूरे स्कूल हिंदुस्तान को शिक्षाविद बनाना चाहते हैं? और आप जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु जब ही बनेंगे जब भारत पढ़ेगा, यानी बच्चे पढ़ेंगे तो विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन अब नई नई तरह की जो पाबंदियां लगा करके शिक्षा के क्षेत्र में रोकना चाहते हैं, और दूसरे क्षेत्र पर कोचिंग सेंटर जैसे जो माफिया है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पर आप कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, ये दोनों ही विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, एक नीति बने और वो नीति सब पर लागू हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे छोटे स्कूल है, चाहे बड़े स्कूल है, चाहे कॉलेजेस हैं, शिक्षा सबके समान है और समान कानून बनना चाहिए। नमस्कार, मैं थॉमस एंटनी हूँ। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप से नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के साथ काम करता हूँ। आज हम जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, खासकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कई राज्यों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। हमारा 3 मुख्य मांग है आज के दिन में सरकार से। पहला है, लगातार खासकर महिलाओं शिक्षकों के विरोध में कुछ भी घटना स्कूल के अंदर या बाहर होता है, तुरंत किसी भी बिना जांच के टीचर और प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है, उनका बेल नहीं मिलती है, ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा कोई आतंकवाद है। तो टीचर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे विद्यालयों में तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो मांग है स्कूल सेफ्टी एक्ट की, प्रोटेक्शन एक्ट की, ताकि हर शिक्षा, हर जो स्कूल चला रहे हैं उनके एक सुरक्षा हो स्कूल के अंदर। दूसरा मांग है जो कोचिंग सेंटर के विरोध में आज के दिन में इतना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पिछले 2023 की अगर बात करें, इस हफ्ते 26वां माउथ है जो केवल कोटा में हर हफ्ते बच्चा सुसाइड कर रहा है, और उसके कारण केवल सुसाइड एक दबाव नहीं है, एक बहुत बड़ा एक कानूनी प्रक्रिया को लेकर सरकार तैयार नहीं हो रही है। कोई रेगुलेशन नहीं है, हर एक क्लास के अंदर 500 बच्चे हैं, बच्चा सुसाइड कर लेता है, माँ बाप परेशान होता है, उसमें बहुत सारे पॉलिसी पे चेंज चाहिए, एक रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि सरकार के प्रति इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है।
तब कोई रेगुलेशन नहीं होगा, इस तरीके से मुद्दा बढ़ता रहेगा, तो हम चाहेंगे पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए। तीसरा मुद्दा है जो सीबीएसई है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, एक बहुत बड़ा अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारत स्तर पे, और लगातार खासकर उनको हम डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चों की सेफ्टी की बात करूं, वो सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता है, लेकिन वो तब वो निजी विद्यालय में आता है, आपको लिफ्ट भी बनाना है, रैंप भी बनाना है, बड़े बड़े उसके फी को रेगुलेट किया जाता है, तो एक निजी विद्यालय स्कूल उसको कैसे बनाएंगे। तो बच्चा का सुरक्षा भले वो निजी स्कूल में हो सरकारी स्कूल में हो, दोनों स्कूल में एक सेफ्टी होना चाहिए, और वो सीबीएसई लगातार रोज कुछ ना कुछ सर्कुलर भेजते हैं, और वो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के साथ नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन चुके हैं, वो 50,000 का फाइन बोलते हैं, 1,00,000 का फाइन बोलते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे। अगर सरकार ये मांग नहीं मानते हैं, हम पिछले भी रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी सेव एजुकेशन कैंपेनिंग के नाम पे, शिक्षा बचाओ अभियान, हम उस आंदोलन के दूसरे चरण में एक रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा एक दर्शन धरना करेंगे। आज के प्रदर्शन हमने केवल जो स्कूल लीडर्स है, जो हमारा जो स्टेट के लीडर्स है, उनको ही हमने इकट्ठा किया है। लगभग हमारा जो 26 राज्यों में है वहां से लगभग 200 लोग यहां पे इकट्ठा हुए, खासकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जो नजदीक जो राज्य है वहां से लोग ज्यादा पहुंचे हैं यहां पे। आपने कोई दस्तावेज कोई आपने बातचीत के जरिया किया है भारत सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से कोई वार्तालाप आपको हुआ है? हम लगातार मिलते रहते हैं, हमने पिछले 20 दिन के ही हमने सीबीएसई के साथ हमने एक मीटिंग भी किया था, आज भी हमारा रिप्रेजेंटेशन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, सेक्रेटरी एजुकेशन को, सीबीएसई को, हम ये सभी बिंदुओं को लेकर हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया हुआ है, अगर वो बात नहीं मानते आगे की कार्रवाई की जाएगी।